बनारस हब राजा, मिजाज में आई बा तो दिल में आई बा, अकड़ में आई बा तो तोहरा जैसन छप्पन देखले हैं। जी हाँ, ये बनारस है, यहाँ स्वयं बाबा विश्वनाथ के अलावा किसी और की नहीं चलती। बनारसी ठसक का आलम यह है कि अगर आप कभी विश्वनाथ मंदिर में सुबह के कपाट खोले जाते समय किसी पुजारी को यह कहते हुए भी पा सकते हैं, उठाओ भोले, इतनी बेर हो गई, अब इन तक सुतले हुआ, चल अब दुनिया देखा। दरअसल यही है बनारस, और ऐसे ही होते हैं बनारसी, सीधे सहज लेकिन ठसक से भरपूर। जिनके रोम रोम में शिव है वही विश्व पिया करते हैं, हमारे लिए महादेव ही सब कुछ है, बाकी सब मोह माया। बनारस के बारे में बड़ी पुरानी कहावत है, राण साण सीढ़ी सन्यासी, इनसे बचे वो सेवे काशी। अर्थात पहला ये कि काशी में विधवा आश्रम बहुत हैं, अगर आप इन विधवाओं के चक्कर में पड़ गए तो फिर गए। दूसरा ये कि काशी में सांड भी बहुत हैं, अगर किसी सांड के सींगों पर चढ़कर आप देवलोक गमन कर सकते हैं। तीसरा ये कि काशी में घाटों पर सीढ़ियां बहुत हैं, जिनसे फिसलकर आपकी स्मृतिलोक से मुक्ति लाभ हो सकता है। चौथा, किसी सन्यासी के फेर में पड़कर आप अपना माल भी लुटा सकते हैं। अब इन चारों चीजों से अगर आप बच गए तो काशी सेवन का लाभ जरूर उठा लेंगे। बनारसियों की खास बात और है, वो ना तो बाबा विश्वनाथ से और ना ही गंगा से दूर रहना चाहते हैं। जब भी चाहे दन्न से गंगा में गोता मारा, निकले, बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया, बाजार में खरीदारी की और चट्ट से घर के भीतर। यही वजह है कि यहाँ गंगा के किनारे घनी आबादी बस्ती चली गई। अब बात बनारस के घाटों और उनके सीढ़ियों की। बनारसी आज तक ये नहीं समझ पाए कि आखिर 2 मील लंबे इन पंक्तिबद्ध घाटों को आज तक विश्व के आश्चर्यों में क्यों नहीं शामिल किया गया। दरअसल ये सच भी है, घाटों की इंजीनियरिंग ऐसी है कि दुनिया के बड़े से बड़ा इंजीनियर भी दंग रह जाता है। रही बात सीढ़ियों की, तो यहाँ के घाटों की सीढ़ियों पर छोटा मोटा बनारस बसता है। ये सीढ़ियाँ बनारस का विश्राम गृह भी हैं। यहाँ सोने पर पुलिस आपका चालान नहीं काटेगी, नगर पालिका टैक्स नहीं लेगी और न कोई आपको परेशान करेगा। एक बात और, बनारस में लस्सी पी नहीं जाती, भिड़ाई जाती है। अवा रजा लस्सी भिड़ायल जाए, यही हाल ठंडाई का भी है। तभी बनारसी बस बरबस ही पूछ बैठता है, भांग छनल की नाही। बनारस में जो सबसे अद्भुत चीज आपको मिलेगी वो है वहां की गलियां। आप बनारस के किसी गली में चाहे 10 बार घूमे हों, लेकिन अगर कुछ महीनों बाद दोबारा उसी गली में जाएंगे तो आप उसे पहचान नहीं पाएंगे। यहाँ की गलियां आपको देश के सभी राज्यों से अलग मिलेंगी। बनारसी बहुत संतोषी होते हैं, आपने उनके बनारस का सम्मान किया तो शहर सिर पर बैठा लेगा, लेकिन नखरे दिखाए तो आपका अस्तित्व खत्म, फिर चाहे आप राजा हों या कुबेर। वैसे भी जिसने बाबा को साथ लिया वह काहे जग की फिक्र करने लगा। कहा भी जाता है, बनारस में सब गुरु केहू चेला नहीं। बनारस देखना है तो घाटों पर समय बिताएं और पक्के महल जाएं, सड़क के किनारे चाय की बैठकी में शामिल हों और यह जानने की कोशिश करें कि सदा आनंद मग्न रहने की ऊर्जा बनारसी लाते कहां से हैं। बनारसी मृत्यु का उत्सव मनाते हैं, इसलिए उनकी यमराज के प्रतिनिधि डूम से सहज निकटता रहती है, क्योंकि इनकी उत्सव धर्मिता मानती है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, वह जीवन का उत्थान है, परम शिखर है, जीवन का चरम है। अगर आपने जीवन ठीक से जिया है, उसका सारा रस निचोड़ लिया है, तो मृत्यु परम सुखकारी होगी। यहाँ होली में एक तरफ चिता जलती है तो दूसरी तरफ होली खेली जाती है। मृत्यु के प्रति ऐसी बेपरवाही इसी शहर में मिलेगी। शिव भी तो यहां मशान में होली खेलते हैं। एक बात और, यहां खान पान की बात ही निराली है। सुबह बनारस में जब स्वाद का जादू घुलता है तो बनारसी एकदम चौचक हो जाता है। बनारसी कहते हैं कि खर मिटाव से जे कैलस परहेज, रोगों के मिले दहेज। दुनिया जब बेट्टी ले रही होती है तब खांटी बनारसी दिव्य निपटान के बाद गर्मा गर्म कचौड़ी और जलेबी लेकर टंच हो चुका रहता है।
वहीं अगर इसमें आलू की छोटकी कचौड़ी और झोलदार घुगनी हो तो फिर कहना ही क्या। और आखिर में ये कहब कि खाली एगो जन्म में बनारस के तो नहीं जान पाई बा, जन्म दो चार गो लेवे के पड़ी। एगो बात और कि बनारस इंटरनेट पर ना मिली, बनारस के जान ला चाहत हुआ तो बनारस आवे के पड़ी। तो गुरु देर मत कर, चला घूम आवा बनारस। हर हर महादेव। जिनके रोम रोम में शिव है वही विश्व पिया करते हैं। हमारे लिए महादेव ही सब कुछ है, बाकी सब मोह माया। हर हर